उन्होंने कहा कि जहां सबकी गारंटी खत्म होती है, मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी वहां से शुरू होती है, बाकी सारे लोगों को तो पेंशन मिल रही है, विधायकों को क्या पेंशन मिल रही है? हाँ बोली मिल रही है। तो बोले डीटीसी के जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन क्यों नहीं मिल रही? इनका कहना है कि उसमें वैधानिक रोक लगा दी गई है। जी मैं आया। डीटीसी नहीं, ओल्ड एज पेंशन भी दिल्ली में कितने सालों से बंद है, और अगर आप पूछिए तो वही लगाया जाता है कि एलजी साहब फाइल नहीं पास कर रहे हैं। दूसरी बात, ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, 2014 से जब मोदी गवर्नमेंट आया है देश में 16 नए एम्स बने हैं, 7 IIM बने हैं और 16 ट्रिपल IIT बने हैं। क्या इनको ये दिखाई नहीं देता? ये उच्च शिक्षा के लिए जो इतना काम किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है? जो कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। जनाब जवाब साहब प्रतीक भाई, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को और तमाम उनके नेताओं को बहुत बहुत मुबारक। भारतीय जनता पार्टी बोली ही नहीं अभी तक। नहीं, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। हाँ। बोलना चाहिए था। हाँ। दिन है उनका और हक है ईमानदारी, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत हिम्मत से चुनाव लड़े, उनको भी मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारकबाद है कांग्रेस के भी लोगों को। ये बात सच है कि कांग्रेस चुनाव 3 राज्यों में हारी है, लेकिन अभी तक हौसला नहीं हारे, हिम्मत नहीं हारे, इरादा नहीं हारे, जनता की आवाज नहीं हारे, युवाओं की आवाज नहीं हारे। जब तक सांस रहेगी तब तक इस देश की मिट्टी से निकली हुई आवाज संसद के अंदर पहुंचती रहेगी, और 2024 में और शक्ति के साथ, और इरादों के साथ, और हिजलों के साथ, हिम्मत के साथ मुकाबला करेंगे। भाई भाई रुको रुको रुको, बोलने का हक है, कहने का हक है, बताने का हक है, स्ट्रेटजी बनाने का हक है, चुनाव लड़ने का सारा। जी ये जो इतनी बातें इन्होंने की कि 2024 में और हम जो है शक्ति के साथ, तो मैं उसमें कहना चाहता हूं कि आप हारेंगे, हारेंगे और हारेंगे। एक आपका अच्छा, क्या काम करते हैं आप? जी मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूं। बाकी मैं नहीं जानता कुछ, लेकिन आप आदमी बड़े भोले हैं। रुके, मैं आता हूं। जी सर नमस्कार। जिस समय हमारी बहस शुरू हुई थी, हमारी कांग्रेस की बहन ने कहा था कि हम कांग्रेस की बहन ने जब बहस शुरू हुई थी तो कुछ कहा था, उन्होंने कहा था कि हम लड़ेंगे, हम सीखेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं कहता हूं कि वास्तव में मोदी जी ने आपको इसी लायक सोचा है कि जो नई रणनीतियां हैं और जो नए सेवा का उनका संकल्प है वो आपको सीखना चाहिए। और जब आप लोग अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, लगा मतलब आप बहुत बारीक माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मोदी जी की सीख है क्या? आप एक 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 जनता के बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति बड़ी समझदारी के साथ बोलना शुरू करता है, कहता है आपको सीखने का मौका है कि कांग्रेस ये सीखिए, लेकिन सीखे क्या, ये मैं जानना चाहता हूं। सर हमको इस देश में नेता बहुत पैदा हुए, हमको एक सेवक चाहिए था, एक ताना सैयद चाहिए था और एक अच्छा नेता चाहिए था। जो मोदी के अंदर पूरा कॉकटेल उनके अंदर भरा हुआ है, हम इस देश को उसी टाइप के नेता की जरूरत थी। हमारा भाग्य है कि हम उस समय हैं जब मोदी जी हमारे बीच में है। आपने एक शब्द बोला, ताना शाह भी चाहिए हमको, डंडा मार के लाइन पर लगाने वाला। अब देखिए मैं आ रहा हूं, अब ये शब्द तो अच्छा नहीं है, लेकिन इस शब्द की इनकी व्याख्या जो है वो हम सरलीकृत करके ले लेते हैं आपकी। वो इन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो कहे और करे, ऐसा व्यक्ति है ना, यही मतलब है ना आपका, जो करवा भी ले जनता से। जी कांग्रेस विल गेट द चांस। देखिए आज तो पीएम साहब ने भी नसीहत दी है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ नसीहत इससे पहले कहाँ गई थी, जब कर्नाटक का चुनाव हुआ, आज वो भाषा पर बोल रहे हैं। वो वही प्रधानमंत्री है जो कि विपक्ष को कहते हैं आतंकवादी की पोषक, आतंकवादी ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, आज वो नसीहत देने आ गए। देखिए मतलब जब आप कह रही हिमाचल में कर्नाटक में नहीं बोल रहे थे, तब वो इतनी इतनी ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, हेट स्पीचेस सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए प्रधानमंत्री को हालांकि हम सुनेंगे क्योंकि प्रधान सेवक है, हमें कुछ कह रहे हैं विपक्ष को, लेकिन मुझे लगता है कि पहले वो संसद में आए, संसद में वो आते नहीं है, फिर वो कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ते हैं कि देखिए संसद चलने नहीं देते। कितने दिन संसद में आए आप निकाल कर देख लीजिए, लगातार हम ये सवाल उठाते हैं, संसद में होते नहीं है। मणिपुर की चर्चा के उनको खींचकर जिस तरीके से लाया गया। आगे आइए जी, 17:06:17।
पहले तो राजनीति करनी सीखनी चाहिए कांग्रेस को। कम से कम आज ये जो चुनाव हुआ है 5 राज्यों का, इन 5 राज्यों में मेरा दावा है कि राहुल गांधी की लॉन्चिंग 20वीं बार हुई है, 20वीं बार वो फेल हुए। अब तो कम से कम टीना जी को बना देना चाहिए। टीना जी बौद्धिक है, पढ़ाती हैं, अच्छी नेता है। राहुल गांधी को अगर टीना जी से रिप्लेस कर दिया जाए तो कांग्रेस इससे बेहतर। देखिए सिंह साहब, ये तो आपका अपना विचार हो सकता है, पार्टी का ये अपना मतलब है। नहीं, दूसरा ये भी है, लोक लाज से भी बहुत कुछ चलता है। अच्छा, अरे मान लिया कि आम आदमी पार्टी के 3 मंत्री जेल में है, जमानत नहीं मिल रही है, चलिए आरोप है, कम से कम जो सजा याफ्ता लालू यादव हैं उनके साथ गठबंधन करेंगी। अदालत ने सजा दी है और अदालत ने उनको माफ नहीं किया है, और इस व्यवस्था ने अगर उनको सजा दी भ्रष्टाचार के मामले में, तो आपके नेता मटन खा रहे हैं, तो आपका यही हश्र होगा जो हुआ है 5 राज्यों में। भाजपा वाले मैं पूछूंगा बाद में आपसे। न अभी नहीं जी, क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार गौतम है।